सिंध के वजीर आला सैयद मुजर शाह के इकलौते पर्सनल स्टाफ ऑफिसर डीआईजी फर्रुख बशीर पर अपनी प्राइवेट वीगो पर जो है वो पुलिस की जाली नंबर प्लेट लगवाकर उसे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। इसे कहते हैं चराग तले अंधेरा। खुद वजीर आला सिंध जो है आईजी को हुक्म देते हैं कि शहर में जो है पुलिस की जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां इस्तेमाल हो रही है, उससे रोका जाए। सीपीओ में जब खुद वजीर आला के पीएसओ जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आए वहां पर, तो आईजी की जानिब से जो है फिर पुलिस वालों की दौड़े लग गई कि ये कौन आया है जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में। जब पुलिस वाले उस गाड़ी के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये गाड़ी किसी और की नहीं, खुद सिंध के वजीर आला के पीएसओ डीआईजी फर्रुख बशीर की है। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। एक नए चौंका देने वाले अंदाज में एक नई टीम के हमरा कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा जराई ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह के पीएसओ डीआईजी फर्रुख बशीर सेंट्रल पुलिस ऑफिस आए थे अपनी प्राइवेट वीगो सफ़ेद रंग की जो रीवो है इस पर एक नंबर प्लेट पुलिस की जो लगी हुई थी, नंबर प्लेट जो है वो SB595। इस जब गाड़ी खड़ी करके चले गए तो किसी ने जब नंबर प्लेट देखी तो पता चला कि ये नंबर प्लेट जाली है, जिसकी इत्तला जो है वो आईजी सिंध को उस वक्त मिली। तो आईजी सिंध ने फौरी तौर पर अपने डीआईजी हेडक्वार्टर जुबैर दीशक से कहा कि फौरी तौर पर जाके जो है ये मालूम करो ये गाड़ी किसकी है, इसे फौरी तौर पर जो है कब्जे में लिया जाए और गाड़ी के मालिक के खिलाफ जो है जालसाजी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जो है वो खारदर थाने के हवालात में बंद कर दिया जाए। जिसके बाद जो है डीआईजी हेडक्वार्टर जो है जुबैर दीशक ने जो है वो अपने एसपी जो है खुद शौकत कटियान से कहा कि वो जाके मालूम करे कि ये गाड़ी किसकी है। पुलिस वालों की दौड़े लग गई, सारे पुलिस वाले भागते भागते गए उस रियो गाड़ी के करीब सफ़ेद रंग की गाड़ी के पास। जब वहाँ पहुँचे तो उन वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल गाड़ी जो चला रहा था बैठा हुआ था गाड़ी के अंदर, उसको जब पकड़ के बाहर निकाला तो उनसे पूछा ये गाड़ी किसकी, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी जो है वो सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह के पीएसओ डीआईजी फर्रुख बशीर की है। ये सुनते ही कहते हैं कि शौकत कटियान जो है वो गिरते गिरते और बेहोश होते होते रह गए कि ये गश, उसको एक तरह से गश उनको खा गए कि ये किसकी गाड़ी है। वो तो पकड़ने गए थे, वो एकदम पीछे हट गया और गिरते गिरते बचे, और उसके बाद उन्होंने जो है टेलीफोन पर अपने डीआईजी जुबैर दीशक को कहा कि भाई ये गाड़ी किसी गैर की नहीं, ये अपनों की है, डीआईजी की है, डीआईजी असली है, नंबर प्लेट हो सकता है कि जाली हो लेकिन डीआईजी असली है, गाड़ी भी असली है। ये कहकर उन्होंने अपने डीआईजी को मुतमैन को डीआईजी ने फिर यही रिपोर्ट जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन को दी, जो उस वक्त मीटिंग कर रहे थे। जब उन्हें ये इत्तला मिली तो वो सर पकड़ के बैठ गए कि या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, किस से क्या बात करूं, ये कहते हुए वो पाए गए। और कहते हैं कि उसके बाद उनसे भी रहा ना कि उन्होंने फौरन जो है नंबर घुमाया और टेलीफोन करके सिंध के वजीर को बताया कि भाई ये आपका पीएसओ जो है वो पुलिस की जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम और किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई करें, जब हमारे अपने बंदे ही कानून के खिलाफ वर्दी करें तो हम किसी और के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकेंगे। इस किस्म की कहते हैं कि बातचीत जो है वो वजीर आला से आईजी सिंध की हुई। ज़राए का ये कहना है कि उस दिन जो है खुद डीआईजी फर्रुख बशीर जो है वो आए थे पुलिस हेड ऑफिस में, और वो अपने एक कारोबारी पार्टनर नईम शेख जो कि डीआईजी हैं और वो जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के डीआईजी हैं, उनके दफ्तर आए थे और वहाँ वो बैठ के खाना वाना खा रहे थे। आजकल कहते हैं कि उनकी बैठक जो है ज़्यादातर जो है वो नईम शेख के पास भी होती है, ज़्यादातर वो यहाँ आते हैं। इसके अलावा जो है वो डीआईजी साउथ असद रजा के पास भी बाकायदगी के साथ जाते हैं, और इसके अलावा जो है डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज़ चीमा के पास भी उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर आमद रफ्त होती है। कहा जाता है कि उन्हें
सिंध के वज़ीर आला ने जो है ना अपना दफ्तर सी एम हाउस का कम से कम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है, क्योंकि वो इस वक्त अपने हरकतों की वजह से जो है नज़रों में आ गए हैं। तो लिहाजा वो ज़्यादा टाइम जो है वो इन तीन दफातर में जो है वो गुजारते हैं, ये कहना है ख़ुद पुलिस के ज़राए का। और नईम शेख जो है वो उनके कारोबारी पार्टनर बताए जाते हैं। इन दोनों का जो है वो प्रॉपर्टी का कारोबार है, ये प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और ये कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। इनके साथ मुनीर का जो है एक इंस्पेक्टर हैं हैदराबाद के, उनके बराद नस्बती जो है वो इनके साथ जो है वो पार्टनर हैं, ये स्लीपर पार्टनर हैं, असल कारोबार वही करते हैं लेकिन सरमाया इनका चलता है। तो ये इसी वजह से वहाँ पर आते हैं और उस दिन भी वहाँ पर आए थे, जिनकी गाड़ी पर जो है ये जाली नंबर प्लेट लगी थी सिंध पुलिस की, SB 595 है या 593 है गालिबन, ये नंबर प्लेट उनकी थी जिसने जो है वो पुलिस वालों की दौड़े लगा दी, जिसकी वजह से IG सिंध भी परेशान हो गए, DIG हेडक्वार्टर जो है वो जुबेर दीशक भी परेशान हुए, सबसे ज़्यादा जो है खुद शौकत कटियान जो है वो गश खाकर जो है वो बेहोश होते होते रह गए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जा जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।